Hello friends, I am Raju Kumar and welcome to the new tech in the world. आज हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि आज के जेनरेशन में कंप्यूटर का इतना महत्व हो गया है कि विश्व के लगभग हर कामों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि वह कंप्यूटराइज हो गया है, जिसके कारण हमें कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर का अर्थ है कैलकुलेशन करना, मतलब किसी भी संख्या का कैलकुलेट करना, बस कुछ नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे मिले हुए इन्फॉर्मेशन के साथ काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर में यूजर एक बार डेटा को इनपुट करा देता है तो वह इसके बाद उस डेटा को जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार वह कंप्यूटर के उस डेटा को प्रोसेस करके उसके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है जो हमें मिलता है। कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। यह इतना फास्ट वर्क करता है कि वह लगभग एक सेकेंड में लाखों करोड़ों संख्या का कैलकुलेशन कर सकता है। जी, वह एक सेकेंड में लाखों करोड़ों संख्या का कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर देता है, वो भी एक साथ। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी संख्या का कैलकुलेशन में रॉन्ग आंसर आने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं, यानी न के बराबर होते हैं, मींस न के बराबर होते हैं। इसलिए कंप्यूटर आज पूरे विश्व में इतना यूजफुल और पावरफुल हो गया है कि सभी लोग इसे यूज कर रहे हैं और लगभग हर काम में यूज हो रहा है। देखिए, कंप्यूटर में काम आने वाला बेसिकली तीन ही माध्यम है। फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड है प्रोसेस और थर्ड है आउटपुट। और तीनों मिलकर आज पूरे विश्व में कोने कोने में टोटल प्रॉब्लम्स को आसान कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये काम करते कैसे हैं, आखिर इनका काम क्या है। फर्स्ट नंबर में है इनपुट। इनपुट जो है वह यूजर के द्वारा दिया जाता है। सेकेंड में है प्रोसेस। प्रोसेस का काम है कि उसको सोल्व करना, बस उसको प्रोसेस वाइज सोल्व करना। थर्ड नंबर में आता है आउटपुट। आउटपुट का काम है कि सोल्व किए गए संख्याओं को आउटपुट के रूप में, यानी रिजल्ट के रूप में यूजर को प्रदान करना। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट।